चर्चा करना चाहूँगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी बातें हैं। कपासन नगर पालिका, कपासन विधानसभा में 2 नगर पालिका हैं। एक तो पुराने समय से चली आ रही है, वहाँ पर बरसों से पद होने के बाद भी पद स्थापन नहीं है। ईओ उधार का, JEN उधार का, LDC UDC सब उधार के चल रहे हैं। ये उधार की नगर पालिका होने के कारण वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और पिछली सरकार ने साल 1.5 साल पहले एक मेरे यहाँ अकोला के अंदर नगर पालिका अकोला बना दी, ग्राम पंचायत को हटा करके। जिस दिन से ग्राम पंचायत हटी उस दिन से निर्माण काम बंद हुए, जो आज तक चालू नहीं है। मेरा आग्रह है वहाँ पर ईओ का पद खाली, JEN का, IN का, UDC LDC सभी कर्मचारी नगर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सारे के सारे खाली पड़े हैं और विकास का काम ठप हो गया। यहाँ तक कि सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था सारी ठप पड़ी हुई है। यहाँ तक कि एक अभिशाप और हो गया। पहले एग्रीकल्चर में ग्राम पंचायत थी तो एग्रीकल्चर के कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये का डिमांड आता था, अब 1.25 लाख का डिमांड आने लग गया। पूरी की पूरी नगर पालिका के अंदर काश्तकार रहते हैं और उनके गले की एक घंटी बन गई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसको आप कुछ न कुछ ऐसा करो कि ऐसा उपाय करो कि बिजली के जो डिमांड है एग्रीकल्चर के, वो नगर पालिका होने से पहले यदि डिमांड जमा तो उनकी पुराने एग्रीकल्चर के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार ही उसकी डिमांड जारी करने का काम करें। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अतिक्रमण की, नगर पालिकाओं में अतिक्रमण हो रहा है तो अतिक्रमण तो बिना प्रशासन की जानकारी के अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। और यदि अतिक्रमण की कोई शिकायत भी कर दे तो नगर पालिका के कर्मचारी शिकायतकर्ता के पीछे पड़ जाते हैं और उसी को गलत ठहरा देते हैं। और हालात ये हो जाता है कि शिकायतकर्ता के कोई भी काम यदि नगर पालिका में हो तो उसको अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम करके उस व्यक्ति को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। इस DLB का नाम बार बार कई लोगों ने कहा, DLB, LEO, DEO और भागो। मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, इस अभिशाप भरे इस नाम को बदलने का काम करेंगे तो ठीक रहेगा। और यही स्थिति निदेशालय के अंदर, यहाँ के निदेशालय की बात करूँ, नगर पालिकाओं में तो होता ही ऐसा। यहाँ निदेशालय की स्थिति यह है कि निदेशालय में भी किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी तो उसे शिकायतकर्ता के पीछे लग जाएंगे लोग। और सतर्कता विभाग 2-3 मिनट और सतर्कता विभाग की हालत तो यह है कि वहाँ पर भी LEO DEO का काम चलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि अवैध निर्माण की शिकायत एक व्यक्ति द्वारा नगर पालिका में की गई, नगर पालिका ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, फिर DDR के कार्यालय में शिकायत की गई, फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब निदेशालय स्तर पर शिकायत की गई तभी सभी प्रकार के सबूत दिए गए, तब जाकर निदेशालय में सीजर के आदेश दिए गए। मैं सदन की मेज पर रखना चाहूँगा कि आदेश क्रमांक 1772 दिनांक 25/5/22 और आदेश क्रमांक 1985 दिनांक 17/8/23 को ये शिकायत की है। इसलिए इन आदेशों की पालना में नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अवैध निर्माण को वैध ठहराने का काम किया गया। निदेशालय ने आदेशों की पालना नहीं होने के संबंध में कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई और उनको भी बचाने का काम किया गया। यहाँ तक कि मैं एक और संज्ञान में लाना चाहूँगा 1-2 मिनट में। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैंने मेरे व्यक्ति को स्वयं को, मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति को भेजा निदेशालय में DLB में कि वो हमने शिकायत की, उसका क्या हुआ। और वो तारीख है 15 फरवरी 2024 और वहाँ पर भेजने पर शिकायतकर्ता पर ध्यान रखा गया और उसकी फ़ोटो कैमरे में देखी गई और यहाँ के DLB के डायरेक्टर ने स्वयं को उसने बुलाया कि भाई तुम यहाँ क्यों आए, उसको चैम्बर में बुला कर डांटा फटकारा और भाई तुम शिकायत करता हो तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या है। और मुझे तो ऐसा लगा उसे धमकी दे करके उसको कहा भी तो आज के बाद इस कार्यालय में नहीं आओगे। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये डायरेक्टर को ये कार्यालय में आपने सेवा के लिए बिठाया है या उसको लीज पर दे दिया, जो उसकी मर्जी है तो जो करेगा, जिसको आए बुलाएगा, जिसको नहीं बुलाना उसको नहीं बुलाएगा। ऐसा मौखिक आदेश देकर उसको प्रतिबंध लगाने का काम ऐसे किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार ने निदेशक DLB को निदेशालय लीज पर तो नहीं दे रखा है, जो अवैध निर्माण कार्य। एक सेकंड और मैं मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूँगा, मुझे आश्वासन देवे कि जो मैंने आदेश क्रमांक 1772 दिनांक 25/5/22 तथा पत्र क्रमांक 1985 17/8 23 के संबंध में संपूर्ण जानकारी मुझे दें, मैं सदन के पटल पर यह करूँगा। और एक निवेदन और करूँगा, लक्ष्मणगढ़ के अंदर पिछले 3-4 साल पहले अनुसूचित जाति की ज़मीन पर 2 बीघा ज़मीन पर जो शहर के मध्य में है उसके ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। अनुसूचित जाति की ज़मीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। मैंने DLB के अधिकारियों से संपर्क किया, यहाँ तक कि धारीवाल जी मंत्री महोदय को कहा और उन्होंने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया और वहाँ पर उस बेचारे की अवैध जमीन पर निर्माण करा करके उसको कब्जे करने का काम किया। मेरा निवेदन है, मैं ये टेबल करना चाहता हूँ, परमिशन दे। श्रीमती अनीता जाटव। माननीय सभापति महोदय, मैं ये आदेश की कॉपी टेबल कर दूं। नमस्कार।